इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं इंशा अल्लाह में सलमान खान और कैसा होगा इस फिल्म में आलिया भट्ट का किरदार। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसैनिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म इंशा अल्लाह का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को देखकर माना जा रहा है कुछ अलग तरह की कहानी इस फिल्म में सलमान खान लाने वाले हैं। फिल्म में सलमान खान एक बिजनेसमैन का रोल करेंगे, वहीं उनके ऑपोजिट नजर आने वाली हैं आलिया भट्ट, जो कि एक 20 साल की एक्ट्रेस का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं संजय लीला भंसाली, और क्योंकि सलमान खान और संजय लीला भंसाली की जोड़ी इतने वक्त बाद साथ नजर आने वाली है और आलिया भट्ट के साथ सलमान पहली बार काम कर रहे हैं, तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, सिनेमा हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन चीजों पर हमें बात करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, अगर वो चीजें हमें फिल्मों के जरिए से दिखा दी जाती हैं, तो वो हमें समझने में आसानी हो जाती है। कितना कुछ ऐसा होता है कि अगर दर्शकों को वो चीज समझ नहीं आ रही है, अगर नॉर्मल पब्लिक की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, सामाजिक तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो फिल्मों में ढालकर उन चीजों को दिखा दिया जाता है तो वो बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इतनी ज्यादा पीरियोडिक फिल्में बन रही हैं आज के वक्त में, कि पुराने वक्त में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, उसको फिल्मों के जरिए से दर्शकों तक दिखाया जा रहा है, और इस वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी हिस्ट्री आसानी से समझ आ जाती है। तो इसी वजह से सलमान खान अपनी फिल्म इंशा अल्लाह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू लाने वाले हैं। सब जानते हैं कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और जो भाई कर दे उस चीज को सब लोग बिल्कुल पत्थर पर लकीर मान लेते हैं और चीजों को उस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म इंशा अल्लाह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि फेमिनिज्म पर बात करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अपनी इस फिल्म से वो एक ऐसा किरदार दर्शकों को दें, एक ऐसा पर्सपेक्टिव दर्शकों को दें, ताकि वो इस चीज को समझ सकें कि औरतें और मर्द दोनों बराबर हैं, ताकि वो पेट्रियार्की पर क्वेश्चन कर सकें, ताकि वो अपने दर्शकों को समझा सकें कि इस तरह से जो हमने अपनी सोसाइटी में एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है कि नहीं, औरतों को यही काम करना है, मर्द सब कुछ कर सकते हैं, उस चीज को वो ब्रेक करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अपनी नज्म लिखी है जिसका नाम है दायरे। वो भी इसी टॉपिक पर बात करती है कि औरतें और मर्द सब बराबर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मेंटालिटी है, पेट्रियार्की है, जो कि लोगों को इस तरह से ट्रीट करती है, बचपन से लोगों के दिमाग में ये चीजें डाल देती है कि औरत को इस तरह से रहना है, मर्दों को इस तरह से रहना है। लेकिन अगर हम देखें अपने रिलीजियस टेक्स्ट की भी बात करें, कोई सा भी रिलीजन हो, अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की भी बात करें, तो उसमें भी औरतों और मर्दों को एकदम बराबर का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में बहुत सालों से चलती आ रही है, इसीलिए वो दिमाग हमारे इसी तरह से मोल्ड हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी नज्म आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करती हूँ। मुझे दायरों में कैद रखने की ख्वाहिश है इनकी, मैं औरत हूं ना, मेरी आजादी खलती है इन्हें, या खबर है इन्हें मेरे अंदर की काबिलियत की, इसीलिए मुझे दबाने की कोशिश में है कि आग जो मुझ में है, ज्वाला सी ये काफी है इन्हें जलाकर राख करने को, मेरी आवाज की बुलंदियां डराती हैं इन्हें, और इसीलिए ये मुझे अदब का लालच देते हैं कि कहीं मेरे साथ हुए जुल्म की कहानी बाहर आकर इन्हें नंगा ना कर दे, मेरा बेबाक अंदाज इन्हें बेचैन करता है, और ये सहारा लेते हैं उन औरतों का जो कि बहक गई हैं इनकी मीठी बातों में आके, जो कि दरअसल मीठी भी नहीं है, बस उसे झूठ की चाशनी में पकाकर इनके आगे पेश कर दिया जाता है। और चूंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और बचपन से ही एक ही पकवान खाने की आदी है, ये इसकी कड़वाहट को महसूस नहीं कर पाती और मुझे भी सलाह देती है इसे चखने की, क्योंकि ये मान बैठी है कि औरतें कमतर हैं मर्दों से, लेकिन मैंने देखा है खुद की ताकत को, मुझे मालूम है मेरे अंदर की जहानत का, इसीलिए मेरा मुझ पर इस कदर फख्र करना, इनके दायरों को फांद कर चौड़ के चलना हाग बबूला करता है इन्हें, और इसीलिए ये मुझे बदचलन होने का खिताब देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसी आइडियोलॉजी को तोड़ने के लिए सलमान खान ला रहे हैं अपनी फिल्म इंशा अल्लाह, क्योंकि वो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक औरत अगर वो आगे बढ़ना चाह रही है, वो कुछ अलग करना चाह रही है, तो हमें उसके ऊपर तोहमतें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि सब बराबर है। अगर मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो एक वो औरत के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि सलमान खान ये मैसेज देने में सफल रहें और उनके जरिए से हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही प्यारा सा चेंज आ जाए। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बढ़ते रहिए।